यस सर। यस सर, बिल्कुल विजिबल। चलें जी, इसके अंदर जो है हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम है 7.2, ठीक है। इसको थोड़ा सा गौर से देखें। वो कहता है कि मैरी लू कंपनी सेल्स ओनली, कहता है कि दैट इज मैरी लू कंपनी सेल्स ओनली वन प्रोडक्ट। फाइन इन्वेंटरीज आर कॉस्टेड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस यूजिंग अ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पे उसने दो तीन चीजें आपको बताई हैं। सबसे पहली बात वो ये कहता है, चलिए ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर वो कहता है कि मैरी लू कंपनी सेल्स ओनली वन प्रोडक्ट, एक बात की। फिर उसने कहा कि इन्वेंटरीज आर कॉस्टेड यूजिंग द लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, ओके, द कंपनी बिलीव ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और तीसरी जो चीज उसने कही है कि द कंपनी बिलीव ऑन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने दो सिस्टम्स पढ़े थे, वन इज कॉल्ड एज योर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, सेकंड इज कॉल्ड एज योर पर्पेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ओके। तो जो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इन्वेंटरी बाय द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। हाउएवर इन पर्पेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वी आर रिक्वायर्ड टू अपडेट द इन्वेंटरी अकाउंट आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, ओके। तो इस चीज का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि ये बुनियादी तौर पर क्या है। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है, वी आर हैविंग कैश ऑफ 8,000, प्रीपेड इंश्योरेंस इज नॉट गिवन, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग इज नॉट गिवन, अकाउंट रिसीवेबल अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, देन इक्विपमेंट, देन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट इज गिवन, अकाउंट पेएबल, बैंक लोन पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, और उसके बाद है कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, फिर उसके बाद सेल्स हैं, सेल रिटर्न अलाउंसेस हैं, परचेज हैं, परचेज डिस्काउंट है, परचेज रिटर्न अलाउंसेस हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रेड इन है, देन वी हैव द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन वी हैव सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, यूटिलिटीज एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और उसके बाद फाइनली हमारे पास कुछ बैड डेट्स एक्सपेंस हैं, कलेक्टेबल हैं, ठीक है। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो 9,04,000 का है, ओके। अब इसके अंदर जो पहले हमारे पास जो एडजस्टमेंट आ रही है वो बुनियादी तौर पे क्या है कि इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 4,800, ठीक है, कि इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन है वो 4,800 का है। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्या कहता है, कहता है टू ईयर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड ऑन सितंबर 1, 1994, इंश्योरेंस एक्सपेंस वॉज डेबिटेड फॉर द एंटायर अमाउंट, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों को सुबह से कह रहा हूँ और कल भी मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन एट योर ओन सो दैट यू विल बी एन आइडिया, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन द एडजस्टिंग एंट्रीज आर बिट डिफरेंट इन अ वे दैट कि हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं, ऑन सितंबर 1994 को हम कुछ इंश्योरेंस पे करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स, ठीक है। तो टोटल हमारा जो इंश्योरेंस है वो 2400 का है, ठीक है। लेकिन जब हम इंश्योरेंस एडवांस में पे करते हैं तो टेक्निकली वी आर ट्रीटिंग इट एज अवर ओन एसेट, ओके। लेकिन हमने यहाँ पे क्या गलती की कि हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट करना था और कैश को क्रेडिट करना था, तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द प्रीपेड इंश्योरेंस हमने डेबिट कर दिया किसको, इंश्योरेंस एक्सपेंस को, तो जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस इन्फ्लेट कर गया बाय सम अमाउंट, ठीक है, बाय सम अमाउंट। अब टेक्निकली अगर हम ये देखें तो 2400 रुपए उन्होंने पे किया फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर, तो इसको 2400 को 24 महीनों पे डिवाइड करते हैं तो पर मंथ का जो रेट आता है 100 आता है, ठीक है। तो 100 है, अब यू आर गोइंग टू पे दिस, यू कैन से दैट इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन सितंबर 1, यू आर गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st of December। बेटा अभी हाजिरी ना लगाओ, हाजिरियां लग जाएंगी, समय लगे ना, इसको गौर से सुनो कि ये बेसिकली क्या चीज है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो वी आर गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st December, सो देयर आर 4 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ दिस 2400 ओनली 400 विल बी कंसिडर्ड एज द एक्सपेंस, हाउएवर वी हैव रिकॉर्डेड द एक्सपेंस बाय 2400, सो नाउ देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द एक्सपेंस बाय 2000 एंड देयर इज अ नीड टू रिकॉग्नाइज अ वन मोर अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस व्हिच इज कंसिडर्ड एज द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट में देखिएगा क्या कहता है, ऑन सितंबर वन द कंपनी पेड 3600 इन एडवांस फॉर एड्स दैट वर टू अपेयर इन 6 मंथली इश्यूज ऑफ अ मैगजीन स्टार्टिंग विद अक्टूबर 1994, द एंटायर अमाउंट वाज डेबिटेड टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। अब यहां पर भी इस क्वेश्चन में हम गलती कर रहे हैं, वो हम गलती क्या कर रहे हैं,
कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू पे द एडवर्टाइजिंग इन एडवांस एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन वी हैव टू ट्रीट इट एज अवर एसेट बट इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज अवर एसेट वी हैव ट्रीटेड इट एज अवर एक्सपेंस ठीक है. अब हमने 3600 पे किए तो हमने करना ये चाहिए था कि हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को हम प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को डेबिट करते और कैश को क्रेडिट करते बट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वी हैव डेबिटेड द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ठीक है. अब वो कहता है कि यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑन सितंबर 1 लेकिन आपके जो एड शुरू होंगे ये जो आपने प्राइस पे किया 3600 दिस प्राइस इज मेंट फॉर द 6 एडवर्टीजमेंट 6 इश्तेहार आपके आएंगे ठीक है. तो 3600 को 6 पे डिवाइड करें तो इसका मतलब है पर एडवर्टीजमेंट की जो प्राइस है वो आपकी है 600 लेकिन आपके इश्तेहार आने शुरू हो जाएंगे अक्टूबर से तो इसका मतलब है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में 3 इश्तेहार आए तो इसका मतलब क्या हुआ 600 मल्टीप्लाइड बाय 3 1800 विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस बट यू हैव रिकॉर्डेड 3600 एज एन एक्सपेंस. So now there is a need to reduce the expense by 1800 and there is a need to recognize the prepaid advertisement expenses by 1800. Okay. उसके बाद next देखिएगा जी the bank loan payable was incurred on October 2, 1994 when a note bearing interest at 10% per annum was signed. Interest is to be paid on January 30th, 1995, the due date of the note. A bank, अब company ने क्या loan किया कि जे मैरीलू कंपनी ने दे हैव बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक बाय साइनिंग अ नोट विद देम एंड द बैंक इज गोइंग टू चार्ज एन इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ठीक है. अब अक्टूबर 2 को आप लोन ले रहे हैं इवन दो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पेमेंट ऑन 30th जनवरी 1995 बट यू आर गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st दिसंबर. तो हमने ये देखना है कि जब हमने लोन लिया और जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं तो कितना टाइम पीरियड हो गया. तो अक्टूबर के टोटल 31 डेज होते हैं उसमें से 2 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग डेज 29 आ जाएंगे. 30 डेज नवंबर के आ जाएंगे 31 डेज दिसंबर के आ जाएंगे तो इस तरह क्यूमुलेटिव हमारा जो लोन बनेगा वो 90 डेज का बनेगा. तो इसका मतलब है 90 डेज हमने लोन यूज किया तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो अब हम पर ड्यू हो गया है बट वी हैव नॉट येट पेड इट. सो नाउ देयर इज अ नीड टू रिकॉग्नाइज द वन एक्सपेंस दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड देयर इज अ नीड टू रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी दैट इज योर इंटरेस्ट पेएबल. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओके. तो अब आप जो भी आपको लोन की अमाउंट दी गई उस पर 10% कैलकुलेट करेंगे फिर उसका आप जो है लेंगे कितना 1/4 या 90/360 लेंगे तो इन दिस वे यू कैन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लोन ओके. फिर उसके बाद कहता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट 1% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विल प्रूव टू बी अनकलेक्टेबल ठीक है. 1% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारे जो है अनकलेक्टेबल जो है वो प्रूव टू बी अनकलेक्टेबल है. अब हमें जो है यहाँ पे 88,000 है 88,000 का अगर आप 1% लेंगे तो कितना बनेगा 880 एंड कंपनी बिलीव्स ऑन एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस मेथड. तो जब हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस मेथड हमें क्या ट्रीटमेंट देता है वो ये कहता है कि बिफोर क्रिएटिंग अ न्यू अलाउंस यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट. इफ वी हैव डेबिट बैलेंस तो एड इट इफ वी हैव क्रेडिट बैलेंस तो देन सबट्रैक्ट इट. तो अब हमारे पास 880 ये बनता है और 200 का डेबिट बैलेंस है ठीक है. तो इसका मतलब टोटल हमारा कितना बना 1080. तो नाउ देयर इज अ नीड टू क्रिएट एन एंट्री विद 1080 बैडेड एक्सपेंस डेबिटेड बाय 1080 एंड योर अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 1080. उसके बाद नेक्स्ट देखें कहते हैं इन्वेंट्री एक्टिविटी के बारे में जरा इसको देखें कि इन्वेंट्री एक्टिविटी क्या कहता है. ये उसने हमें एक टेबल दिया हुआ है जी इन्वेंट्री एक्टिविटी के हवाले से उन्होंने टेबल दिया. बिगनिंग इन्वेंट्री में 1210 यूनिट है 100 रुपए के हिसाब से. फिर हमारे पास परचेजेस हैं 1000 यूनिट्स 110 के हिसाब से. देन हमने सोल्ड किए 1800 यूनिट. फिर परचेज किए 2100 यूनिट्स. फिर हमने सोल्ड किए 1900 यूनिट. फिर हमने सोल्ड किए 300 यूनिट. फिर हमने परचेज किए 1000 यूनिट. और फिर हमने सोल्ड किए 400 यूनिट ठीक है. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको अपनी अकल को इस्तेमाल करना है ठीक है. तो जो हमारा प्रियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी बिगनिंग इन्वेंट्री और जो हमारी परचेजेस होती है उसको तरतीब के साथ लिख लेते हैं ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं बिगनिंग इन्वेंट्री में 1210 यूनिट थे. फिर हमने परचेज किए 1000 ठीक है. फिर उसके बाद इसका मतलब हमारे पास कितने यूनिट हो गए 2210 यूनिट हो गए ठीक है. फिर हमने उसमें परचेज कर लिए 2100 यूनिट. तो 2210 में 2100 यूनिट अगर आप ऐड करें तो देखें कितना बनता है जी 2210 जमा 2100 2200 और उसके बाद आपका हो गया 2000
4,243 यूनिट बन गए, ठीक है 4,310 यूनिट बन गए, शाबाश। उसके बाद फिर आपने 1,000 यूनिट आपने खरीद लिए, तो टोटल आपके पास कितने बन गए, आपके पास कितने बन गए जी 4,310 और 5,310 यूनिट हो जाएंगे, ऐसा ही है 5,310 यूनिट, ठीक है। अब हम जो यूनिट बेच रहे हैं उनको देखें कितने, अब हम यूनिट जो सोल्ड कर रहे हैं वो क्या सोल्ड कर रहे हैं, 1,800 यूनिट हमने सेल किए, फिर उसके बाद हमने 1,900 यूनिट सेल किए और फिर 300 यूनिट सेल किए, तो 1,800 और 300 हमारे बने 2,100, 2,100 और 1,900 हमारे 4,000 यूनिट बन गए, और फिर 400 यूनिट हमने फिर इसके अंदर से बेच दिए, तो टोटल यूनिट हमारे सेल हुए 4,400, ठीक है। अब 4,400 यूनिट हमारे पास है, 5,310 यूनिट उसमें से 4,400 यूनिट अगर बिक गए तो डिफरेंस कितना बचा, 910 यूनिट बच गए जी। अब हमने ये डिटरमिन करना है कि कंपनी बिलीव ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, द कंपनी बिलीव ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड कंपनी बिलीव ऑन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। यहाँ पे आपने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की तरह कार्ड नहीं बनाना, जिसमें हमारे तीन सेक्शन होते थे परचेज सेल एंड बैलेंस, वो नहीं बनाना, ठीक है। अब हम इसमें ऐसे ऐसा करते हैं कि जो लास्ट की यूनिट है उनको बेचना शुरू करते हैं, 1,000 यूनिट हमने पहले बेचे होंगे 120 वाले, फिर हमने 1,900 यूनिट, फिर उसके बाद हमने जो हमने यूनिट बेचे होंगे वो 2,100 यूनिट बेचे होंगे, 2,100 वाले जो खरीदे थे, तो इस तरह 3,100 यूनिट हो गए। उसके बाद फिर हमने जो बेचे होंगे ये 1,000 यूनिट बेचे, ठीक है 1,000 जमा 2,100 3,100 और 1,000 यूनिट 4,100 यूनिट गए। अब 1,210 में से 300 यूनिट वो गए, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 910 यूनिट बचेंगे 100 रुपए वाले, हमारे पास 910 यूनिट बचेंगे 100 रुपए वाले, तो इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री होगी उसकी मालियत होगी 91,000, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई बात समझ नहीं लगी तो कम अप विद दैट, आपको कोई अगर कोई क्यूरी हो, कोई समझ नहीं लगी हो बात, तो कम अप विद द क्वेश्चन जी। है भाई अपना माइक ऑन करें या बताएं मुझे कि जी ये हमें बात समझ लगी है कि नहीं लगी। अच्छा चलें, अब मैं आप लोगों के साथ जो है ये जो क्वेश्चन है मैं इसका सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि आप इस सलूशन को देखिए जी। ये सोल्यूशन नजर आ रहा है आपको, ये शेयर करना पड़ेगा, क्या नजर आ रहा है? यस सर, यस यस सर, नजर आ रहा है। ठीक है, चलें चलें। आज जरा सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज थी वो हमारी क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने ये कहा था कि हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो ये बड़ी आसान सी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री है, तो इसमें हम कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट क्रेडिटेड बाय 4,800। रिमेंबर दैट एवरी एडजस्टिंग एंट्री इज हैविंग टू इफेक्ट, वन ऑफ इट शुड बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट एंड अदर शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट, ओके। तो ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इट विल बी रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट, हाउएवर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी एडेड इनटू द एग्जिस्टिंग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड देन वी हैव टू शो द इफेक्ट इन द बैलेंस शीट व्हाइल डिटरमिनिंग द नेट बुक वैल्यू। फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो हमने जो है वो 2,400 रुपया एडवांस में पे किया था, ठीक है। तो हमने पे किए थे, पेमेंट की थी सितंबर 1 को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि और ये हमने पेमेंट 2,400 किया था 2 सालों के लिए, तो इसका मतलब 24 महीनों के लिए किया था। तो 2,400 को 24 महीनों पर डिवाइड करें तो पर मंथ आता है कितना आपका, 100 रुपीज, ठीक है। तो 100 के हिसाब से 4 महीनों का एक्सपेंस बनता था आपका 400, लेकिन यू हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड द एक्सपेंस बाय 2,400, सो नाउ देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द एक्सपेंस बाय 2,000। तो हमने यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट किया, एसेट को रिकॉग्नाइज किया जो हमारी किताबों में नहीं था, और इंश्योरेंस एक्सपेंस को हमने रिड्यूस किया बाय 2,000, ओके। इसी तरह से हमने एडवर्टीजमेंट के 3,600 रुपए एडवांस में पे किए, तो हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया, हालांकि हमारे सिर्फ 3 इश्तिहार आए जो कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के अंदर थे, और पर एडवर्टीजमेंट की प्राइस थी हमारा दैट इज ऑफ 600, तो इसका मतलब है 1,800 विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, हाउएवर वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड द एक्सपेंस बाय 3,600, सो नाउ देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द एक्सपेंस बाय 1,800 एंड देयर इज अ नीड टू
recognize a new account that is prepaid advertisement expenses by 1800. नेक्स्ट में हमारे पास है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल है, ठीक है, तो इसको जरा देखिएगा। ये मैंने नीचे इसके जो है ना ये नोट्स भी आप लोगों के बनाए हुए हैं, डिटेल बनाई हुई है। तो 16,000 का हमारा बैंक लोन है, उस पर 10% हमारा बनता है 1600, और वी हैव टू कंप्यूट द इंटरेस्ट फॉर 90 days टाइम पीरियड। तो इन दिस पे 400 का इंटरेस्ट है जो हम पे ड्यू हो गया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिटेड बाय 400, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि उसने कहा था कि हमारा जो है 1% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल इज टर्न आउट टू बी अनकलेक्टेबल, 88,000 है उसका 1% लिए 880 और प्लस इसमें 200 ऐड कर दिए डेबिट बैलेंस के, तो जो टोटल अमाउंट बनी 1080 की बनी। अब बैडेड एक्सपेंस डेबिटेड बाय 1080 एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 1080। इस ट्रांजेक्शन को होश के साथ आप लोगों ने करना है, ठीक है। वो क्या है कि एक्सपेंस तो 1080 का लिखा जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में जब हम जाएंगे तो अकाउंट रिसीवेबल में से कितने पैसे माइनस होंगे। अब आपको सबसे पहले अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट का अकाउंट बनाना है, तो जब आप अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट पे आपके 1080 लिखे होंगे, डेबिट में 200 लिखे होंगे, तो जो नेट बैलेंस बनेगा 880 का बनेगा, एंड दिस 880 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट रिसीवेबल इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नेट बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारी मैंने डिटेल्स की दे दी है। अब सबसे पहले जी हमने बनाना है इसमें जो है हमारा इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमें सेल्स दी गई 8,05,000 की, लेस सेल रिटर्न अलाउंसेस हमने किए 4,800 के, नेट सेल्स हमारे पास आई 8,02,000 का, ठीक है। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 1,21,000 की, ठीक है। उसके बाद हमने परचेजेस किए 4,71,500 के, लेस परचेज डिस्काउंट 1,800 का किया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो सब टोटल आया 4,69,700 का आया, लेस परचेज रिटर्न अलाउंसेस किए 400 के, तो नेट परचेजेस आ गई 4,69,300 की। एड इसमें हमने किया फ्रेट इन 5,400 को, डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ परचेजेस आया 4,74,700। सो दिस 4,74,700 इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज ड्यूरिंग द करंट ईयर, ओके। और जो माजी का सामान हमारे पास जो पिछले साल हमने खरीदा था उसमें जो चीजें हमारे पास बची हैं, ठीक है, जो पिछले साल चीजें हमने खरीदी थी वो जो हमारे पास बची हुई है वो है 1,21,000, ओके। सो वी आर गोइंग टू टेक द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज, इट विल बी इक्वल टू समथिंग, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा हमारे पास 5,95,700 का। अब वो कहता है लेस एंडिंग इन्वेंट्री, तो ये एंडिंग इन्वेंट्री अभी हम कैलकुलेट करके आए थे, हमारे पास 910 यूनिट थे 100 रुपए वाले बचे हुए, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 4,04,700, तो 8,02,000 में से 5,04,700 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,95,500। अब हमारे पास सैलरी एक्सपेंस है 1,10,000, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट एक्सपेंस 16,000, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस एक्सपेंस विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो वो 12,100 है, तो अभी हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट किया बाय 2,000, तो इसका मतलब है देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द इंश्योरेंस एक्सपेंस बाय 2,000 ड्यू टू द फैक्टर ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो हमारा नेट एक्सपेंस 10,100 का बना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 16,100 है, ठीक है। उसके अंदर से जो हमारा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट का बैलेंस है वो 1,800 है, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस होगा 14,300। यूटिलिटीज एक्सपेंसेस एज इट इज आ जाएंगे 6,800 के। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये हम एडजस्टमेंट में से लेके आए हैं, ठीक है, तो एडजस्टमेंट में से लेके हैं 400 है, फिर बैड डेट एक्सपेंस लेके हैं, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेके हैं। आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि जितनी एडजस्टिंग एंट्रीज दी गई हैं ऑल दी एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन शोन इन योर इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज इन योर बैलेंस शीट। अब देखें कि हमारे पास डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्री थी, एक बैड डेट से रिलेटेड थी, दो इंटरेस्ट से रिलेटेड थी 3, उसके बाद एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड थी 4, और प्रीपेड से रिलेटेड थी 5, और छठी एंट्री हमारी थी आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की, ओके। तो वो हमने इस तरह से 6 एडजस्टिंग एंट्रीज हमने की, तो 6 इफेक्ट हमने शो किए, एंड नाउ वी आर हैविंग अ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1,63,480, एंड यू कैन से दैट योर प्रॉफिटेबिलिटी इज 1,32,020, ओके। अब यहाँ पे भाई किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे मुझे, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ तो यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। जी नो क्वेश्चन एट ऑल, वेरी गुड क्वेश्चन।
उसके बाद देखें जी कि अब हमारे पास बैलेंस शीट है, उसमें देखें कि कैश हमारे पास है 8,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस, ये जो भी हमने एडजस्टिंग एंट्री की थी 2,000 के आ गए, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट आ गया 1,800 का। अकाउंट रिसीवेबल को देखिएगा कि हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल थे 88,000 थे, अब हम उसमें से जो माइनस करने जा रहे हैं वो 880 माइनस करने जा रहे हैं। हमने 1080 को क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि हम अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट का बैलेंस बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट पे 1080 है, बट ऑलरेडी डेबिट पे उसके 200 है, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो नेट क्रेडिट बैलेंस आएगा 880, एंड दिस 880 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट रिसीवेबल टू डिटरमिन द नेट बुक वैल्यू। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ गई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास 91,000 की है, इक्विपमेंट हमारे 40,000 के थे, और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी कुछ मानी की डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और कुछ हमने इस दफा 4,800 रुपए इस दफा किया, तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारी 18,400 बनती है, नेट बुक वैल्यू 21,600। ठीक है। अकाउंट पेबल हमारे पास 11,000 के हैं, बैंक लोन पेबल 16,000 का है, इंटरेस्ट पेबल जो है वो हमारा 400 है। ठीक है। इसी तरह से कैपिटल के अंदर अब हमारे पास कैपिटल था 57,100 का, नेट प्रॉफिट ऐड किया 1,32,020, और हमारे पास सब टोटल आया 1,89,120 माइनस ड्राइंग्स कर दी 5,000 की, टोटल हमारे पास 1,84,120 आया, एंड टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी इज इक्वल टू 2,11,520। So in this way, you can say that your balance sheet is balanced. So if you want to take the question at this point in time, you are welcome to ask the question. अच्छा जी, अब next में अगर आप नई question लेना चाहते हैं तो ये भी अच्छी बात है। चले जी, नेक्स्ट में देखिएगा, अब हमने क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है। तो क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज में हम क्या करते हैं कि वी आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इक्वल टू जीरो। देयर आर थ्री नॉमिनल अकाउंट, वन इज योर रेवेन्यू, सेकंड इज योर एक्सपेंस, एंड थर्ड इज योर ड्राइंग। ठीक है। और क्लोजिंग अकाउंट में हमने क्या करना पड़ता है कि दैट वी हैव टू ब्रिंग देयर बैलेंस इक्वल टू जीरो, एंड हाउ वी कैन ब्रिंग देयर बैलेंस इक्वल टू जीरो, वी कैन ब्रिंग देयर बैलेंस इक्वल टू जीरो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू गो फॉर द ऑपोजिट। For example, that expense, if they have a debit balance, if they have a normal balance is debit, fine, तो इसको credit करके cancel कर देंगे। Revenue का जो है वो credit balance है, उसको debit करके cancel कर देंगे। ठीक है। तो इनको जरा थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि ये हमारा बुनियादी तौर पे क्या है। इसमें मैं जो है वो एक adjusting entry को शायद explain नहीं किया, वो बुनियादी तौर पे ये छठी adjusting entry थी, जिसको आप जरा दोबारा से गौर से देखेंगे। देखें कि हमारे पास जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वो 91,000 की है। ठीक है। ये हमने अपना जो फॉर्मूला था उसके तहत कैलकुलेट कर लिया। देन वी आर हैविंग अ डेटा रेलेवेंट टू द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज परचेजेस ट्रेड इन। तो हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री 1,21,000 की थी, परचेजेस 4,71,500 के थे, ट्रेड इन 5,400, तो हमने इन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न अलाउंसेस को हमने डेबिट कर दिया। तो जिस वक्त हमने ये अपने टोटल क्रेडिट में से ये जो डेबिट अमाउंट है 4,18,091,000 को माइनस किया, तो डिफरेंस हमारे पास आया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, डेबिट थी, इसको क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, परचेज डेबिट से क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, फ्रेट इन डेबिट था क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, परचेज रिटर्न हमारे पास क्रेडिट था इसे डेबिट करके क्लोज कर दिया, परचेज डिस्काउंट हमारे पास जो था वो क्या था कि हमारा जो है वो बुनियादी तौर पर क्रेडिट था इसे डेबिट कर दिया। ओके। तो इसका मतलब है दीज अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन क्लोज, नाउ वी आर हैविंग अ वन ओपन अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज योर सीजीएस। सो इफ यू हैव क्लोज द सीजीएस मीन दैट एवरी एक्टिविटी विल बी क्लोज इन दिस प्रोसेस। ओके। तो यहाँ पे हमने बुनियादी तौर पे ये इसको किया कि सेल्स हमारे 8,05,000 से डेबिट क्रेडिट थे, इसे हमने डेबिट कर दिया, सेल रिटर्न हमारा जो है वो डेबिट बैलेंस होता है उसे हमने क्रेडिट कर दिया है, 4,800 से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्रेडिट कर दिया, सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस को, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को, फिर उसके बाद यूटिलिटीज एक्सपेंसेस को, इंटरेस्ट एक्सपेंस को, बैड डेट एक्सपेंस को, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, तो हमने टोटल जो हमारा डेबिट और क्रेडिट है उसका जो डिफरेंस आना चाहिए इट इज योर नेट प्रॉफिट, इट इज योर नेट प्रॉफिट। इफ यू हैव अ नेट प्रॉफिट देन योर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, इफ यू हैव अ नेट लॉस देन योर कैपिटल विल बी डेबिटेड इन दिस प्रोसेस। ओके। और हमारे पास जो है एक और एंट्री है जो कि ड्राइंग्स के हवाले से है, तो ड्राइंग की सूरत में हमारा कैपिटल रिड्यूस करता है, सो कैपिटल इज गोइंग टू बी डेबिटेड बाय 5,000 एंड ड्राइंग इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 5,000। ओके।
आफ्टर दैट अब हमने इसमें बनाना होता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। देखिएगा कि हाउ दिस पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस डिफर देन योर बैलेंस शीट। अब हमने इसमें लिखा कि कैश 8,000 है, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 18,000 है, अकाउंट रिसीवेबल 88,000 के, जबकि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 880 है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 91,000 की, इक्विपमेंट 40,000 के हैं और इसकी जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 18,400 है। यहाँ पे मैंने वर्ड लेस लिखा हुआ है जो कि गलत है, हमें लेस नहीं लिखना है इसको, यहाँ पे खाली एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना है क्रेडिट साइड पे, मैं जब इसको भेजूंगा तो करेक्ट करके भेजूंगा। उसके बाद अकाउंट पेबल हमारे पास 11,000 के हैं, बैंक लोन पेबल 16,000 के हैं, इंटरेस्ट पेबल 400 का है और कैपिटल की मालियत है 184,120। इन दिस वे वी आर हैविंग अ टोटल डेबिट ऑफ टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। सो दिस इज द वे इन विच वी हैव टू प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड अ बैलेंस शीट। ठीक है, सो एक्सेप्ट द क्वेश्चन रेलेवेंट टू योर कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम, यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 7। In particularly the section 7C, as well as you can say that is your this is your exercise problem. Okay, if you are having any question, you are welcome to ask the question and to make your concepts clear. जी अपने माइक ऑन कीजिएगा अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो वेलकम। जी 1 to 10 बताइएगा जो रोल नंबर आज प्रेजेंट है। 2, 10, 9, 3 and 1। 1, 2, 3, 9, 10। ओके 11 से 20 तक जो लोग प्रेजेंट है, 11, 13 और कौन है, 18, 11, 13 and 18। ओके 21 से 30 तक जो लोग प्रेजेंट है आज, 22, 28, 29, 24, ठीक है 22, 28, 29, 24 and 21। उसके बाद यदि 31 से लेके 40 तक जो लोग प्रेजेंट है, जी 31 से लेके 40 तक जो लोग प्रेजेंट है काइंडली, 35 है, 40 है, 35 और 40 दे आर प्रेजेंट। जी 41 से लेके 50 तक जो लोग प्रेजेंट है, 48 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 51 से लेके 60 तक जो लोग प्रेजेंट है, 52, 55 है, 57 है, 60 है, 53 है, 56 है। ओके 61 से लेके 70 तक जो लोग प्रेजेंट है, इसमें क्या है 61 है, 69 है, 66 है, 65 है, 64 है और 70 है। ओके जी 71 से लेके 76 तक जो लोग हैं प्रेजेंट, ये कौन है, 71 है, 76 है, 71 एंड 76 और रोल नंबर 8 भी है राबिया मतीन, चलो ठीक हो गया जी 71 एंड 76। ओके उसके बाद रिपीटर्स है हमारे पास, 17 01 है,